हम देखेंगे प्रश्न संख्या 13। जैसे आप लोग 12 को किए वैसे भी अभी होगा। इसमें देखिए आपका अंतर ये है कि एक आपका पूछा है एक्स एच के समांतर, दूसरा पूछा है वाई एच के समांतर। आपको उदाहरण में पहले ही बता दिया गया है जो एक्स एच के समांतर जब होता है तो डीवाई बाई डी एक्स जो होता है जीरो के बराबर होता है। डीवाई बाई डी एक्स किसके बराबर? जीरो के। और जब वाई एच के समांतर होता है तो डीवाई बाई जो डी एक्स होता है वह इन्फिनिटी या 1/0 के बराबर। ठीक है, हम लोग ऐसे ही हल करेंगे इसको। चलिए सबसे पहले आपका वक्र क्या दिया है? वक्र दिया है एक्स स्क्वायर बटा में 9 धन वाई स्क्वायर बटा में 16 इजिकल टू कितना 1। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/9 गुणे एक्स का, यानी कि लिख सकते हैं 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 वाई स्क्वायर बराबर कितना 1। ठीक है, चलिए यहां से लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यह है तो 1/9 डीवाई बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1/16 इसका भी गुणांक है डीवाई बाई डी एक्स का, यानी कि आप करेंगे किसा का वाई स्क्वायर का इजिकल टू डीवाई बाई डी एक्स किसा का 1 का। चलिए 1/9 गुणे चलिए एक्स स्क्वायर, यानी कि यह हो जाएगा 2x, पहले घात आएगा घात में से घट जाएगा यानी 2x हो गया प्लस 1/16। वाई स्क्वायर है, देखिए वास्तव में x नहीं, x मानेंगे तो माना x तो पहले घात आएगा और घात में से घट जाएगा यानी कि y, यानी कि 2x होगा, x के वैल्यू y है तो y रख दिए। वास्तव में देखिए x नहीं था, x माना गया है जिसको आप x माने फिर उसका अवकलन, तो y को x मानेंगे तो y का अवकलन करेंगे तो dy बटा में क्या हो जाता है dx। आपको पता होगा कि y का अवकलन dy बाई dx होता है इजिकल टू 1 का अवकलन 0। ठीक है, इतना चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 2x/9, 2 × 2 = 16 यानी कि यह हो जाएगा प्लस y/8 और यह हो जाएगा dy/ क्या dx। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से यह हो जाएगा y/8 dy/dx इजिकल टू, इसको पाछांदर करेंगे, इसको इधर प्लस से इधर चलेगा तो -2x/ कितना ना, यहां से यह dy/dx आपका हो जाएगा -2x/9। देखिए dy/dx का गुणांक है तो ये हटेगा भिन्न, तो इधर पूरा जितना मान लेगा उसका बटा लग जाएगा, यानी कि y/ कितना 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x/9 -2x/9, इसका भिन्न है तो इसको पकड़ेंगे हम ऐसे घुमा देंगे, देखिए इसको पकड़ेंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 8/ कितना वाई, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा -2/16x/9 से y में गुणा 9y dy बाई dx हो गया, ये आपका ये फाइंड हुआ है dy बाई dx। ठीक है, चलिए अब यहां से आ जाइए, पॉली क्रिया क्या पूछ रहा है, एक्स एच के समांतर, एक्स एच के समांतर। चलिए अभी बताया गया जब एक्स एच के समांतर है तो जो dy बाई dx फाइंड हुआ है कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर, यानी कि आपका हो जाएगा dy बाई dx इजिकल टू कितना 0। फिर dy बाई dx कितना है -16x/ कितना है 9y बराबर कितना 0। चलिए हर एक मान का तीन गुणा कर दें, एक्स एक्स में गुणा कर दें -16y इजिकल टू 16x होगा, इससे गुणा करेंगे तो 0, यानी कि आपका x बराबर हो जाएगा 0/ कितना, देखिए x का गुणांक कितना है -16 है तो यह इसका भिन्न लग जाएगा, गुणांक हटता है तो बटा में चला जाता है यानी कि -16, यानी कि x बराबर कितना, x बराबर 0 आ गया। चलिए यही x का मान बिंदु निकालने के लिए यही x का जो मान है समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर बटा में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 16 इजिकल टू कितना 1। चलिए एक्स का वैल्यू कितना रखना है 0/9, यानी कि 0 का स्क्वायर/9 प्लस वाई स्क्वायर बटा में कितना 16 इजिकल टू 1। तो 0 से इसमें भाग देंगे तो आपका टोटल मान कितना हो जाएगा, 0 से इसमें भाग देंगे टोटल मान 0, 0 से नहीं 9 से इसमें भाग देंगे तो टोटल मान कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
जीरो, और 9 से 0 में भाग देंगे तो आपका टोटल मान कितना, 0, ठीक है। तो 0 यहाँ से हट जाएगा, आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बटा में 16 इजिकल टू कितना 1, वाई स्क्वायर बटा में 16 इजिकल टू 1, चलिए तीन गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो वाई बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट हटेगा तो अंडर रूट में कितना 16 इजिकल टू अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल आप 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 से 4 चौको 16, यानी कि प्लस माइनस कितना 4, क्योंकि वही ये क्योंकि 4 ऐसी संख्या है जिसका दो बार गुणा करेंगे यानी कि 4 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि वर्गमूल आपका हो जाएगा 4 एक्स का। तो बिंदु आपका क्या हो गया, चलिए देखते हैं, तब तो आपका बिंदु मिल गया अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु, चलिए आपका बिंदु क्या हो गया, पहले कितना रखा गया था 0 और दूसरा आपका क्या है 16, यानी कि आपका प्लस माइनस क्या 16 नहीं है 4, यानी कि आपका बिंदु हो गया एक्स बराबर जब 0 रखे थे तो वाई का वैल्यू आया प्लस माइनस 4। चलिए एक तो हो गया, अब दूसरा दूसरा चलते हैं, वाई अक्ष के समांतर, ठीक है, जब वाई अक्ष के समांतर है तो डीवाई बाई डी एक्स, आपको बताया गया है कि डीवाई बाई डी एक्स जो है कि इन्फिनिटिव या 1/0 के बराबर होगा, तो इन्फिनिटिव लेंगे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन डीवाई बाई डी एक्स आपका बराबर हो जाएगा कितना 1/0, क्योंकि 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ये डीवाई बाई डी एक्स कितना है माइनस 16 एक्स बटा में क्या वाई इजिकल टू 1/ में कितना 0, ठीक है इतना। चलिए वही इस 0 से 0 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू 0, यानी कि पहले एक्स से कीजिए, एक्स से वाई में गुणा वाई हो जाएगा, और माइनस 16 एक्स से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि वाई का मान कितना मिल गया 0। देखिए वाई का मान जब मिल गया तो आसानी से इसमें समीकरण में एक में रख करके किसका मान निकाल लेंगे एक्स का, देखेंगे वाई बराबर 0 समीकरण एक में रखने पर, चलिए डायरेक्ट मैं हल कर रहा हूँ, यहाँ से समीकरण है एक्स स्क्वायर बटा में कितना 9 प्लस, चलिए वाई का मान कितना रखेंगे 0 का घात कितना हो जाएगा 2/16 इजिकल टू आपका कितना है 1, वाई का मान रख दिया गया 0 और घात 2 है तो घात 2, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 9 प्लस, देखिए 0 का स्क्वायर 0 बटा में यह हो जाएगा 16 और 16 से 0 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 इजिकल टू 1, यानी कि यहाँ से 0 हटा दे रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि 0 रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हो जाएगा इजिकल टू 1, यहाँ से हर एक मान का त्रिक गुणा कर दीजिए, एक्स से एक्स स्क्वायर में गुणा एक्स स्क्वायर बराबर 1 से 9 में गुणा 9 और 9 से 1 में गुणा 9 भी होगा तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, कौन ऐसी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पर 9 हो जाएगा, 3 तिली के 9, यानी कि वह संख्या 3 है। तब तो अभीष्ट बिंदु लिया जाए, अभीष्ट बिंदु आपका क्या हो जाएगा, पहले देखिए एक्स का वैल्यू रखिए, यानी प्लस माइनस 3 आया और वाई का वैल्यू कितना रखा गया है 0, क्योंकि सबसे पहले जो भी आपका बिंदु रहता है पहला मान एक्स का होता है और दूसरा मान वाई का है, इसलिए इसमें सबसे पहले एक्स का वैल्यू रखा गया है दूसरा वाई का, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।